जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, मैं हूँ वंशिका आपके साथ होम्स फॉर सेल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कसम से वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी में मैं आपको ये खूबसूरत सा फ्लैट दिखाने वाली हूँ। लोकेशन पता कौन सी है? द्वारका सेक्टर 14। जी हाँ, यहाँ से बिल्कुल नजदीक में आपको मिल रहा है वेगस मॉल, कॉन टेम्पल, डिस्ट्रिक्ट पार्क और बहुत ही नजदीक में आपको मेट्रो स्टेशन भी मिल जा रहा है जो कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। जी हाँ, यहाँ से आपको मेट्रो कनेक्टिविटी मिल रही है, वेगस मॉल, स्कॉन टेम्पल, डिस्ट्रिक्ट पार्क और स्कूल कॉलेज मार्केट, हर चीज नजदीक में मिलने वाला है। तो ये बहुत ही बेहतरीन डील है जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं जिनके बारे में मैं लगभग आपको बता चुकी हूँ। जी हाँ, इसके अलावा ये जो फ्लोर है, ये जो फ्लैट है वो आपको 100 गज में बना के दिया जा रहा है। 3 BHK है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शानदार इंटीरियर के साथ आपको मिल रहा है। पहली बात तो ये फ्लैट बहुत ही अमेजिंग है, दूसरी चीज़ ये कि द्वारका सेक्टर 14 में, और तीसरी बात ये कि ये आपको मिल रहा है मेट्रो के बिल्कुल ही नज़दीक। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस फ्लैट का लुक। टेंटरन आ गई मैं आपके खूबसूरत से फ्लैट के अंदर। दो दो दरवाजे आपको यहाँ पर लगा के दिए जा रहे हैं और बहुत ही शानदार फ्लैट है। लिविंग एरिया में हम एंटर कर चुके हैं, एंटर करते ही इतना शानदार इंटीरियर, इतना खूबसूरत लिविंग एरिया आपको मिल रहा है, वही वाह, मज़ा ही आ गया। मतलब ये है आपका लिविंग एरिया, फ्लोरिंग से लेकर फॉल सीलिंग तक हर चीज़ यहाँ एकदम परफेक्ट है, बहुत ही शानदार है। वही सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये खूबसूरत सा सोफ़ा सेट, 5-सीटर सोफ़ा सेट हम आपको यहाँ लगा के दे रहे हैं सेंटर टेबल के साथ और 2 पफीज के साथ। इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती भाई, होम्स फॉर सेल जब है तो हर चीज़ पॉसिबल है। यानी कि इतनी सारी खूबियाँ एक ही फ्लैट में एक साथ और इतने खूबसूरत इंटीरियर और इतने शानदार फर्नीचर के साथ आपको मिल रही है। फटाफट से आपको इस फ्लैट को अपना बना ही लेना चाहिए। कैसे बनाएंगे वो जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बना रहना होगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये फ्लैट आपका कैसे बन सकता है। इसी के साथ अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की खूबसूरत सजी हुई दीवारें। ये पहली वॉल हम देख रहे हैं जहाँ पर आपको स्प्लिट एसी की वायरिंग मिल रही है आपके सोफा सेट के जस्ट पीछे है। कितनी शानदार आपको यहाँ पर डिजाइनिंग मिल रही है, वुडवर्क है, क्विल्टिंग का वर्क है, आपको यहाँ के वुडवर्क में प्रोफाइल LED लाइट का वर्क भी मिल रहा है और साथ साथ आपको इतनी सारी डिजाइनिंग होने के बावजूद स्प्लिट एसी की वायरिंग लगा के दी जा रही है ताकि आपको जरा सी भी असुविधा ना हो। इसी के साथ अगली दीवार की बात करेंगे तो ये है आपकी फ्रंट साइड वॉल जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग मिल रही है, बहुत ही शानदार लुक मिल रहा है और इस डिजाइन के दोनों तरफ आपको कॉपर मिरर लगा के दिया जा रहा है। देख सकते हैं इस वॉल का लुक कॉपर मिरर के साथ बाकी बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लुक है और कॉपर मिरर ने तो भाई शोभा ही बढ़ा दी है इस वाली दीवार की। इसी के साथ बात करेंगे अब फॉल सीलिंग की, आपका लिविंग एरिया और ये है आपके लिविंग एरिया की फॉल सीलिंग। कितना खूबसूरत क्लासी झूमर आपको यहाँ लगा के दिया जा रहा है, भाई वाह, मुझे तो यार एकदम रेट्रो वाली वाइब्स आ रही है इसे देखकर। मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। हाँ जी, तो ये आपकी फॉल सीलिंग में आपको लगा के दिया जा रहा है। LED लाइट, फोकस लाइट और कलरफुल लाइट्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। प्रोफाइल LED लाइट भी आपके इस फॉल सीलिंग में लगा के दी जा रही है। इसी के साथ अब आपको दिखाने वाली हूँ मैं ये खूबसूरत सा TV पैनल। इतना बड़ा TV पैनल आपको आपके लिविंग एरिया में लगा के दिया जा रहा है। दोनों तरफ आपको यहाँ पर ओपन शेल्फ की फैसिलिटी मिल रही है ताकि आप अपनी छोटी छोटी एक्सेसरीज को ऐड कर सकें, अपने लिविंग एरिया की शोभा बढ़ा सके और खूबसूरत तरीके से इसको सजा सके। ये आपका शेल्फ भी यहाँ पर बना के दिया गया है, स्विच बोर्ड आपको लगा के दिया जा रहा है और नीचे की तरफ आपको 3 कबर्ड्स मिल रहे हैं जहां आप अपना सामान भी स्टोर कर सकते हैं। ये आपका लिविंग एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है, वो नो डाउट आपको पता लग ही गया होगा। तो भाई एक चीज और आपके लिविंग एरिया में है जो इसे खास बना रही है, वो है आपका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हमने किस तरीके से कॉमन वॉशरूम के बाहर आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिया है। आपको यहाँ पर भी छोटे छोटे कबर्ड्स और ड्रॉर्स बना के दिए गए हैं ताकि आप इजीली अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ों को यहाँ पर स्टोर कर सकें। देख सकते हैं आप चाहे तो बच्चों के बुक्स यहाँ पर रख सकते हैं, अपनी एक्सेसरीज को रख सकते हैं, या फिर ये एरिया किचन के जस्ट बाहर है तो आप इसका इस्तेमाल अपनी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को रखने में भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आपका कॉमन वॉशरूम।
कमाल करते हैं, इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपके लिए अवेलेबल करवा देते हैं। वही इसी के साथ अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आपका मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन में जाने से पहले देखेंगे ये आपका ओपन शेल्फ जो आपको मिल रहा है कॉपर मिरर के वर्क के साथ। ये खूबसूरत सा इंटीरियर आपको मिल रहा है आपकी किचन के जस्ट बाहर। जी हाँ, लिविंग एरिया और किचन के बीच के पार्टीशन को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर आप इसमें अपनी एक्सेसरीज को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको कॉपर मिरर का वर्क मिल रहा है और साथ साथ आपको टॉप लाइट्स भी लगा के दी जा रही है। पर अब फाइनली बारी आ गई है आपके मॉड्यूलर किचन की। तो ये है आपका मॉड्यूलर किचन जिसे एल शेप तरीके से डिजाइन किया गया है। चिमनी आपको यहाँ लगा के दी जा रही है और साथ साथ पानी की फिटिंग, आरओ की फिटिंग, हर चीज आपको यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल मिल रही है। जी हाँ, बहुत ही शानदार डील, बहुत ही अमेजिंग किचन, मॉड्यूलर किचन इस वक्त आप देख रहे हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ कबर्ड बना के दिए गए हैं, वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट मिल रही है, आपको एग्जॉस्ट फैन लगा के दिया जा रहा है, चिमनी आपको मिल रही है, और साथ साथ अगर बात करें नीचे की तरफ की तो यहाँ पर भी आपको कबर्ड्स के साथ साथ यहाँ आपके लिए ड्रॉर्स भी बना के दिए गए हैं ताकि आप अपने बर्तनों को यहाँ पर आसानी से स्टोर कर सकें, रख सकें। अगर बात करें किचन के इंटीरियर की तो फॉल सीलिंग तो आपका बस अटेंशन छीन ही लेगी। देख सकते हैं किस तरीके से आपकी किचन की फॉल सीलिंग में बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को सजोया गया है ताकि आपका घर आपके सपनों के घर के अकॉर्डिंग लग सके। मॉड्यूलर किचन आप देख चुके हैं, अब बारी है बेडरूम्स की, बढ़ेंगे आगे और लेकर चलेंगे आपको आपके फर्स्ट बेडरूम में। तो ये है आपका फर्स्ट बेडरूम जिसे देखते ही आप टोटली इस घर के, इस फ्लैट के, इस रूम के फैन हो जाने वाले हैं। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, भाई वाह, मतलब इतनी शानदार डिजाइनिंग हम आपको यहाँ करवा के दे रहे हैं। ये है आपका क्विल्टिंग का वर्क जो आपके बेड के स्पेस के पास मिल रहा है, और आपको यहाँ बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग भी मिल रही है। बेड के दोनों तरफ आपको यहाँ पर इतना खूबसूरत वुडवर्क मिल रहा है जहाँ आपको कॉपर मिरर लगा के दिया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पर आपका बेड आएगा और ये खूबसूरत से दो टेबल्स आपको बेड के दोनों तरफ लगा के दिए गए हैं। क्विल्टिंग का वर्क आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कॉपर मिरर का वर्क मिल रहा है। साथ साथ बात करें अगर स्पेस की तो अच्छा खासा स्पेस आपको आपके बेडरूम में मिल रहा है। फ्लोरिंग बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत टाइल्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, और देख ही सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से आपके इस रूम को, आपके इस बेडरूम को बनाया गया है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ बहुत बड़ी विंडो मिल रही है, विंडो एसी की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, और साथ साथ ये जो बेडरूम है वो आपका मास्टर बेडरूम है क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहा है आपका एक अटैच्ड वॉशरूम। जी हाँ, कुल मिलाकर मास्टर बेडरूम में आपको दिखा रही हूँ। वॉशरूम दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगी आपके इस बेडरूम की फॉल सीलिंग जो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। देख सकते हैं कितना प्यारा आपको यहाँ डिज़ाइन मिल रहा है। यहाँ पर आपके फैन के लिए भी हमने स्पेस बना के दे दी है, लाइटिंग्स आपको यहाँ मिली रही है, LED लाइट, फोकस लाइट और प्रोफाइल LED लाइट का वर्क आपको आपकी फॉल सीलिंग में मिल रहा है। भाई वाह, इतनी सारी चीज़ें एक साथ। जी हाँ, सर अभी एक चीज़ बाकी है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो है आपका TV पैनल। आपको आपके फर्स्ट बेडरूम में ये खूबसूरत सा TV पैनल मिल रहा है जो बहुत ही खूबसूरत वुडवर्क के साथ आपको मिल रहा है। नीचे की तरफ आपको ग्लास का वर्क मिल रहा है जहाँ आप इसका इस्तेमाल शोकेस की तरह भी कर सकते हैं। साथ साथ आपको इस TV पैनल में स्विच बोर्ड लगा के दिए जा रहे हैं, दो आपको लाइट्स लगा के दी जा रही है, ऊपर की तरफ भी आपको स्पेस बना के दिया जा रहा है ताकि आप अपने मोमेंटोस को ऐड कर सके। साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आपके इस बेडरूम में आपको मिल रही है बहुत ही खूबसूरत अलमीरा जो स्लाइडिंग डोर वाली अलमीरा है, और देख सकते हैं इजीली यूजेबल है, आसानी से आप इसमें सामान रख सकते हैं, और काफ़ी स्पेशियस अलमीरा आपको यहाँ पर मिल रही है जिसमें अच्छा खासा सामान आ सकता है। 3 शेल्फ्स आपको यहाँ पर बना के दी जा रही है। भाई बहुत ही खूबसूरत बेडरूम है, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है। इसी के साथ अभी बाकी है बहुत सी चीज़ें जिनमें से एक है आपका ड्रेसिंग एरिया। आपको आपके फर्स्ट बेडरूम में ड्रेसिंग एरिया भी मिल रहा है। ये है आपका ड्रेसिंग टेबल जहाँ आपको मिरर मिल रहा है, और यहाँ खूबसूरत सा आपको टेबल बना के दिया गया है। देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से चीज़ों को आपके लिए बनाया गया है। इसी के साथ अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आपके इस मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। हाँ, तो फर्स्ट बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम आप देख चुके हैं। अब देखे चलूंगी मैं आपको आपके सेकंड बेडरूम में, और फर्स्ट बेडरूम के जस्ट बगल में आपको मिल रहा है आपका सेकंड बेडरूम।
तो ये है आपका सेकंड बेडरूम जो मिल रहा है आपको बालकनी से अटैच्ड। बेड हम आपको यहाँ लगा के दे रहे हैं। बेड के पीछे का आप देख सकते हैं डिजाइन कितना खूबसूरत है। ग्रे और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है और लाइट का स्पेस भी आपको यहाँ मिल रहा है। अगर बात करें इंटीरियर की तो वाकई बहुत ही खूबसूरत सिंपल सोबर इंटीरियर है, काफ़ी क्लासी लुक आपके इस बेडरूम का है। और बात करें अगर चीज़ों की तो आपको इस बेडरूम में भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके दी जा रही है जो इसका लुक बहुत ही बेमिसाल बना रही है। ये आपको मिल रहा है कॉर्नर में आपका ड्रेसिंग एरिया जहाँ आपको फुल लेंथ का मिरर मिल रहा है और साथ साथ आपको एक टेबल लगा के दिया जा रहा है। उसी के साथ अगर बात करें बेड की तो बेड भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके लिए यहाँ पर तो बेड भी आपको बहुत ही शानदार मिल रहा है। यहाँ पर आपको बेड के सिरहाने पर फुलटन का वर्क मिल रहा है और बहुत ही खूबसूरत दो छोटे छोटे टेबल्स आपके बेड के आजू बाजू में आपको मिल रहे हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं फॉल सीलिंग की। ये आपको दिखाने वाली हूँ मैं आपके सेकेंड बेडरूम की फॉल सीलिंग। खूबसूरत फॉल सीलिंग आपको यहाँ मिल रही है। डिजाइनिंग तो भाई कमाल की है, मतलब देख सकते हैं कितनी शानदार लाइटिंग आपको यहाँ मिल रही है। एलईडी लाइट, फोकस लाइट और आपको यहाँ प्रोफाइल एलईडी लाइट का वर्क भी मिल रहा है। और साथ साथ ये खूबसूरत बेडरूम आपको बालकनी से अटैच मिल रहा है। बालकनी का लुक मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखा देने वाली हूँ आपकी अलमीरा। जी हाँ, इस बेडरूम में भी आपको अलमीरा मिल रही है। ये आपको अलमीरा यहाँ पर मिल रही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी स्पेशियस है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख ही सकते हैं, बहुत ही क्लासी लुक उसका आ रहा है। इसी के साथ अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये ओपन शेल्फ जो आपको आपकी अलमीरा के जस्ट कॉर्नर में मिल रही है। यहाँ पर आप अपनी एक्सेसरीज़ को ऐड कर सकते हैं, बच्चों के सॉफ्ट टॉयज ऐड कर सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ें, फ़ोटो फ्रेम, एल्बम या जो चीज़ें आप रखने का शौक़ रखते हैं उन्हें यहाँ रख सकते हैं। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल बुक शेल्फ के तौर पर भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, तो इसे आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। काफी सारी चीजें इस बेडरूम में थी जिनमें से मैं बहुत कुछ तो आपको दिखा चुकी हूँ लेकिन बाकी है अभी आपकी बालकनी। तो इसी के साथ बढ़ते आगे, लेकर चलते हैं आपको आपकी बालकनी की ओर। जी हाँ, तो बालकनी आप देख चुके हैं, सेकंड बेडरूम आप देख चुके हैं, अब बढ़ेंगे आगे लेकर चलेंगे आपको आपके थर्ड बेडरूम में। कहाँ है थर्ड बेडरूम? जी हाँ, अवेलेबल है। जैसा कि सौगज में बना 3 BHK है तो दो बेडरूम आपको मिल रहे थे लिविंग एरिया के उस तरफ और अब हम जा रहे हैं आपके थर्ड बेडरूम में। जी हाँ, तो ये रहा आपका थर्ड बेडरूम जहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग मिल रही है। आपका थर्ड बेडरूम बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर आपको पूजा का स्पेस यानी कि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत MRF डिजाइनिंग वाला आपको मिल रहा है। आपका मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है और आपके घर में आपका खुद का मंदिर बना के दिया जा रहा है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, बहुत ही शानदार मंदिर है। मंदिर के नीचे की तरफ आपको मिल रही है एक ड्रॉल और एक कबर्ड ताकि आप अपने भगवान का सामान स्टोर कर सकें। जी हाँ, तो ये है आपके बेड का स्पेस जहाँ आपको पीछे की तरफ जहाँ आपको सिरहाने की तरफ मिल रहा है क्विल्टिंग का वर्क कॉपर मिरर के साथ। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं काम अभी चल ही रहा था लेकिन मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने सोचा बस ये वीडियो आपके लिए बना देती हूँ, काम तो चलता ही रहेगा। इसी के साथ आपको मैं दिखा देना चाहूँगी आपको यहाँ पर दो चेयर्स भी मिल रही हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन आपको आपकी चेयर्स का भी मिल रहा है। साथ साथ अगर बात करें अलमीरा की तो बेड के दोनों तरफ आपको ये कबर्ड्स बना के दिए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग, बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग इनकी मिल रही है और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल है। मतलब इसी के साथ आप देख पा रहे हैं आपकी फॉल सीलिंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई, इतनी शानदार फॉल सीलिंग मिल रही है। एलईडी लाइट, फोकस लाइट, प्रोफाइल एलईडी लाइट का वर्क आपको आपकी फॉल सीलिंग में मिल रहा है और बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर से पूरा का पूरा फ्लैट आपको सजाया गया है, बनाया गया है और बहुत ही शानदार डील आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ। कुल मिलाकर आप अपना थर्ड बेडरूम भी देख चुके हैं, तीनों ही बेडरूम्स में आपको दिखा चुकी हूँ, 100 गज में बना 3 BHK और बहुत ही शानदार डील है। देख ही पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके इस घर को बनाया गया है और 100 गज में बना 3 BHK आपके शहर दिल्ली में द्वारका सेक्टर 14 में अवेलेबल है भाई, बहुत ही शानदार डील है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ मेट्रो कनेक्टिविटी आपको यहाँ मिल रही है, मेट्रो से द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर आपको ये फ्लैट मिल रहा है और साथ साथ आपको वेगस मॉल, डिस्ट्रिक्ट पार्क और साथ साथ स्कॉन टेम्पल आपके इस फ्लैट के बहुत ही नज़दीक में मिलने वाला है। फिर अगर आप स्कॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आप स्कॉन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही शानदार डील है। इसी के साथ साथ बहुत ही शानदार फ्लैट हमने आपके लिए बनाया है, फटाफट से होम्स फॉर सेल के दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और इस शानदार फ्लैट को अपना घर बनाने के लिए जल्दी से जल्दी हम तक पहुँचें। धन्यवाद।